भाई और बहनों, हावड़ा सहित पूरे पश्चिम बंगाल का उन्नयन, यहां का डेवलपमेंट, यहां के जल संसाधन, यहां के शिल्प, यहां के कृषक, इनको प्रोत्साहित करने से ही संभव है। लेकिन सालों साल इसकी अनदेखी हुई, जिसको बीते 10 साल की दीदी सरकार की दुर्नीति ने बहुत ही गंभीर बना दिया है। यहां शिल्प का विशेष रूप से एमएसएमई का, जो कभी पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी ताकत थी, उनका क्या हाल बनाया गया है ये आपके सामने है। मेटल हो, जूट हो, बैडमिंटन शटल कॉक हो, ऐसे अनेक सामान की देश में डिमांड बढ़ी है, लेकिन यहां के उद्योगों में ताले लगते गए। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, बंगाल में दशकों तक रहा कुशासन, दीदी की सरकार की दुर्नीति, बंगाल के आदर्शवादी जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बंगाल के आदर्शवादी लोग मानते हैं, सोतेर कोनो रूपांतर नहीं, आजो जा कालोता। दीदी ने बंगाल के साथ जो किया, उसका सामने सच सामने आ चुका है। इसलिए आज बंगाल की जनता को दीदी धमकी दे रही है। दीदी कहती है, आमरा देखो ने वो, कहती है ना, आमरा देखे ने वो। हम बंगाल के सभी भाई बहनों से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। दीदी बोले, आमरा देखे नोबे, दीदी बोले आमरा देखे नेबो, बीजेपी बोले आमरा सेवा करबो, बीजेपी बोले आमरा सेवा करबो।